मैंने जहां से शुरू की है आज कथा, सच्चा श्रोता जो कथा सुनकर अपना जीवन बदलने की कसम खाता है। कथा मतलब मेरे कर्मों का चिंतन, श्रवण से मुझे पता चलता है कि हाँ ये मैंने गलत किया है, अब उसे बदलना है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे ऐसा बनना है। जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, पति पूछता है अरे अगर तुम लड़ क्यों रही हो, किस बात पे लड़ रही हो, बोले मुझे तुम्हारी आदत पसंद नहीं है। तो पति अगर सच्चा प्रेमी होगा तो ईमानदारी से कमिटमेंट करता है कि ठीक है आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा, और फिर वो नहीं करता। वैसे ही ठाकुर जी से हमें भी इस कथा में वचन देते हैं कि हमारे ये कर्म खराब थे, अब इन कर्मों को नहीं करेंगे, अब बस जो तुझसे मिला सके हम वैसा ही कर्म करेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधा रानी ने सोचा, पूछा कौन जाएगा, बोलिए सुख जाएगा। हे मेरे भाई बहन, इस देश के पक्षी भी तुमसे अच्छे हैं, जो भगवान का नाम न ले ना मानव, उससे अच्छे पक्षी भी हैं, पशु भी हैं। ये देश, जिस भारत देश में हम और आप जी रहे हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं। जब जब भी इस भूमि पर भगवान को प्रकट होने का आना पड़ा उनको धरती पर, तब तब उन्होंने भारत को चुना, किसी और भूमि को नहीं गए। क्यों? बोले वो जानते हैं पाप भारत की पवित्र भूमि है, किसी और कंट्री में पैदा नहीं हुए, भारत ही चुना ना। भगवान आते हैं इस पावन पवित्र भारतवर्ष की भूमि पर, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये जो पावन भूमि है ना, यहां का बच्चा बच्चा संस्कारी है। कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन जब भी मंदिर की घंटी बजती है तो मंदिर की घंटी नहीं बजती, कहीं ना कहीं मेरी श्रद्धा की घंटी बजती है। सुनते ही मंदिर की घंटी सुनते ही मेरे मन के श्रद्धा में आवाज आती है, कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो। बड़े से बड़ा मॉडर्न व्यक्ति भी मंदिर के सामने खड़े होकर गंदी हरकत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसके अंदर भारतीय मौजूद है, भारतीय जिंदा है, यही संस्कार, इसीलिए भगवान यहां आते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा ये सुख जाए और हमारी गाथाओं का गायन करे, और हमारी गाथाओं का गायन कर करके लोगों को सत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करे। हे मेरे भाई बहन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, जब भी कोई जीव भगवान की कथा सुनाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें कुछ विशेष गुण हैं आपसे ज्यादा। मुझे छोड़ के, मैं तो आपसे भी बहुत पीछे हूं, आपकी लाइन जहां शुरू होती है आप सबसे आगे हैं और मैं सबसे पीछे हूं। हरेक बुराई में आपसे आगे, हरेक बुराई में आपसे आगे हूं, और अच्छाई में आपसे बहुत पीछे हूं मैं। लेकिन मुझे छोड़कर बाकी जितने भी भगवान के धर्म प्रचारक हैं वो निश्चित तौर पर मेरे ठाकुर जी ने आपके मध्य में चुनकर भेजे हैं, जिनको लक्ष्य दिया है जाओ इस जनमानव का कल्याण करो, संदेश देकर धर्म के राह पर चलाओ, और इन्हें बताओ कि बिना धर्म के हम और आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें धर्म की जरूरत पड़ेगी। धर्म के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। अगर जिंदा रहना है तो हमें धर्म की जरूरत पड़ेगी, धर्म का सहारा चाहिए हमको, हमको सबको। तो सुख को कहां जाओ, सुख आ रहे हैं मार्ग में, कैलाश पर्वत पड़ा, और जब मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा तो कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं, है? जोर से बोले, अकेले थोड़ी रहते हैं, विद फैमिली, और फैमिली भी बढ़िया ही है, भूत प्रेत पिशाच सब नंदी इत्यादि सब उनकी फैमिली में आते हैं, अच्छी फैमिली है। धृतराष्ट्र बोले कुछ और मांगो, बोले नहीं अब नहीं मांगूंगी, बस दो वरदान मांग लिए बहुत, बोले नहीं मांगो, बोले नहीं